नशे के विरुद्ध एनएसयूआई ने ड्रग फ्री हमीरपुर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत एनएसयूआई पूरे जिले में 100 के करीब शिक्षण संस्थानों में छात्रों को जागरूक करेगी। इसी अभियान के अंतर्गत एनएसयूआई के बैनर तले क्विज प्रतियोगिता तथा खेल कूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि नशा युवा वर्ग को लगातार खोखला करता जा रहा है, जो कि समाज के लिए चिंतनीय है। बोलते हैं कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। वो ऐसे होता है कि जब आप खाली बैठे होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप सोचते हैं चलो किसी को लेके चलो यार नशा ही कर लेते हैं। ये कोई आपका दोस्त ऐसा होगा वो बोलेगा चल एक बार ले कर भाई, और उसके बाद आप धीरे धीरे ड्रग जो क्या होता है कि जब आप शुरू में ड्रग करते हैं तो वो आपको एक जो है वो रिलैक्स फील करवाती है, आपको ऐसा आनंद महसूस हो, आपको उसमें अच्छा लगता है जब आप नशा शुरू शुरू में करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये नशा जो है वो आपको जकड़ लेता है, नशा जो है वो आपको एक बार जकड़ लेगा, उसके बाद आप लोग जो है अपने ऊपर से कंट्रोल खो देंगे, आपका नर्व सिस्टम जो है वो कंट्रोल खो देगा, आप लोगों को मतलब नशे के बिना आप लोग रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदत बन जाती है, आप कंट्रोल नशे के आदि हो जाते हैं। और ये नशा ही ऐसी चीज है धीरे 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 इतने आप उसके आदि हो जाते हैं कि आप नशे के अलावा कुछ और चीज जो है वो समझ ही नहीं आती है, आपको पता ही नहीं लगता है कि हमने क्या करना है। और धीरे धीरे आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि नशा जो करने वाला व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में एकदम से धीरे धीरे करते हुए अचानक से उसके स्वभाव में बिल्कुल चेंजिंग, बिहेव में बिल्कुल चेंजिंग आ जाता है, ना उसका मन कहीं लगेगा, ना वो घर वालों से ढंग से बात करेगा, ना किसी, वो अकेला अकेला रहने लगेगा, वो समाज की नजरों में खुद की नजरें नहीं मिला पाएगा। आप कभी भी देख लेना जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी नजरें मिला के समाज के अंदर बात नहीं कर पाता है। जब आप 10 लोग बैठे हुए होंगे, 10 दोस्त खड़े हुए होंगे, जो गलत होगा, जो नशे करने वाला होगा, वो कभी आपके बीच में ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको अंदर से उसको भी लगता है कि वो गलत है, लेकिन वो नशे का इतना आदी हो चुका होता है कि वो खुद को नशे से दूर ही नहीं रख पाता है। तो हमारा इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आप जो है वो समाज की आने वाली जो राष्ट्र की जो नींव है आप लोग हैं, आप युवा भारत, युवा जो है वो एक राष्ट्र की नींव होती है, और आज का युवा अगर सशक्त होगा, आज का युवा जो है वो नशा मुक्त होगा, तो निश्चित ही तौर पे भारत जो है वो विश्व पटल पे, विश्व के एक जो वर्ल्ड का जो मैप है विश्व का, उसपे हम जो है वो एक मजबूत तरह से महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। लेकिन ये नशा जो है वो लगातार खोख है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में चिट्टा का इतना प्रचलन चला है, और मैं आपको बता दूं कि चिट्टे को इतने अलग अलग तरह से लोग पीते हैं, कहीं देखिए मैं अगर सच बात बताऊं तो मैंने तो चिट्टा देखा भी नहीं, मैं सच बात बता रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो इस तरह से हमारे साथ ऐसे हमारे साथ कई तरह के लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने जैसे सबसे जो है वो सुना है, और कि चिट्टा जो है वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो लिया जाता है, कहीं उसको इंजेक्शन के रूप में, कहीं भाप जला जलू के कुछ फल फूल में लेते हैं, और आप यकीन मांगे जो चिट्टा